સુરતના આંજણા ફાર્મ પાસે આવેલ શાંતિનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં મોહમ્મદ યુનુસ હાજી ફતેહ મોહમ્મદ શેખે પ્લોટ ખરીદ્યો હતો અને વર્ષ 2017માં બ્રોકર મોહમ્મદ ઇસ્લામ જમીલ ખાન પઠાણ દ્વારા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરવાળી જગ્યા વપરાશ માટે ભાડેથી લીધી હતી અને એક વર્ષનો ભાડા કરાર કરાવી સમયસર ભાડો ચૂકવી આપ્યો હતો. બાદમાં ફરી ભાડા કરાર રિન્યુ કરી દીધો હતો, પરંતુ પછીથી કોઈ પણ જાતનું ભાડું ન ચૂકવ્યું હતું, જેથી મકાન માલિકે ભાડાની રકમ આપવાની માંગ કરતા ગાળગલોચ કરી હતી અને જગ્યાનો કબજો કરી લીધો હતો. આ મામલે મકાન માલિકે સલાબતપુરા પોલીસ મથકમાં પોતાની સાથે ઠગાઈ થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરીમાં પણ ન્યાય માટે અરજી કરી હતી. મોહમ્મદ યુનુસ અપના રહેને કા અપના સલાબતપુરા દોરિયાવાડ મે ઘટના યે બડી મેને વો ભાડુત થાની છે ઉસકો ભાડે મે દિયા થા ઉસકો ભાડુત ક્યો એગ્રીમેન્ટ બના કે ભાડો કરા કે ભાડુત મે દિયા થા 2017 કો વો ફિર વો ખાલી કર દો એસા કરતે રહા. 2 સાલ કે બાદ મે ઉસને અપને આપ ભોગસ દસ્તાવેજ બના લિયા, કબજા રસીદ બના લિયા और फिर अभी अब जाके बोला कि मैं कब्जा से बाहर निकाला कि हमें खाली नहीं कर रहा, धाम धमकी हमको दे रहा है, खाली नहीं कर रहा. वो कौन है सामने वाला? सामने वो इस्लाम जमील खा पठान, उसका उपनाम परवाना बोलते हैं उसको. वो वहाँ रहता है, कमेला दरवाजा रहता है, कमेला नए कमेले में रहता है. 2017 से उसको मैंने एग्रीमेंट में दिया था बना के. अभी क्या संबंध अच्छा उसको रखा मैंने, उसने बोगस भैया दस्तावेज कब्जा रसीद बना के अभी हमको धाम धमकी दे रहा है, खाली नहीं कर रहा है और कब्जा करके भी बोगस हम देख रहे हैं. हमको हमने आज तक बनाया नहीं, सभी मिलके सा जैसे बोगस भी बनाया हो हमने. अभी आप उनके पास गए तो आप उसने क्या बोला आपको? हाँ, खाली करना नहीं बोल रहा, धमकी दे रहा है. अभी अभी अब के नहीं खाली करूंगा. अभी अभी मैं अभी अभी खाली नहीं करूंगा. कब्जा करके बैठा हुआ वहाँ का 40-50 आदमी वहाँ लेके बैठा हुआ है और धमकी दे रहा है. आपने डर लगता है, मुझे कुछ कर नहीं दिया अपने को, थोड़ा बहुत थोड़ा डर लग रहा है. और कोई बात नहीं, किस तरह की धमकियां दे रहे हैं? हाँ, वो सब आदमी सब मिलने के बैठा तो डर लगता है अपने को, कुछ कर नहीं दिया अपने को. आदमी क्या करे ऐसे, इसके लिए फरियाद. कामदाता क्या करता है? वो परेश का काम करता है. पहले जब इसको जो भाड़े में करा जो दिया था ना कब्जा इसको भाड़े में, तो उस टाइम पेंडिंग मशीन लिखाया था कि पेंडिंग का काम मेरा. बाद में मालूम पड़ा कि परेश का काम करता है. परेश का काम करता है वहाँ, को मशीन चलाता नहीं है और ऐसा सा काम करे. वो हमसे धोखाबाजी कर दी उसने. अभी आपको पुलिस से क्या मांगे? पुलिस से मांगे कि हमारे ये कैसे भी हमारे इसे छुटवारा करा दो. और मैंने हमने अर्जी भी दी थी वहाँ पे, अर्जी दी थी. अभी यहाँ पे भी यहाँ पे आए सी पी साहब के पास, यहाँ भी अर्जी करेंगे, अर्जी दे दिए और जो भी हो साहब. ब्यूरो रिपोर्ट, H24 न्यूज़, सूरत.